खबर मध्य प्रदेश के बुरहानपुर जिले से है, जहां बुधवार को नगर निगम परिषद की बैठक हुई। इस दौरान विपक्ष ने महापौर पर जुबानी बाण चलाए, जिसके बाद भाजपा के पार्षदों ने माफी न मांगे जाने तक बैठक का बहिष्कार किया। बता दें कि नगर निगम परिषद की बैठक में शहर के गड्ढों का मुद्दा उठा, जिसमें सरकार की योजना गिनाने के दौरान विपक्षी दल के नेता महापौर पर भड़क गए। इसके बाद महापौर माधुरी अतुल पटेल ने कहा कि मुझे पार्षदों ने चुनकर नहीं भेजा है, मैं शहर की जनता द्वारा चुनी गई हूं। साथ ही उन्होंने कहा कि ये महिला पार्षदों और महिला वोटरों का अपमान है। बुरहानपुर से गोपाल देव का रिपोर्ट। भाई अंसारी भाई, हमारे अपने शहर के प्रथम नागरिक को टपक बोला, भैया इनकी टसक है, क्योंकि यही नेत्री के सामने हो, दो बार चुनाव आ रहे हो, तीन बार आ रहे हो तो उनको ऐसी टसक लग रही है। और महापौर जी ने जितनी जितनी योजनाएं बताई, तो क्या वो नगर निगम में क्रियाकलाप नहीं है? प्रधानमंत्री आवास योजना का फॉर्म नगर निगम में भराता है, जियो टेक्निक उसी नगर निगम में होती है, संबल कार्ड के अंदर मृत्यु वाले व्यक्ति का नगर निगम में होता है, आयुष्मान कार्ड नगर निगम में भराता है, अनाज तो जनरेट होती है, इंदिरा नगर निगम में होता, तो सारी योजनाएं नगर निगम में आती है, नगर निगम में फंड आता है, नगर निगम ट्रांसफर करता है। तो ये क्यों, क्या बोलना चाह रहे हैं कि केंद्र सरकार की योजना, ये तो शहर के जब नगर निगम में आ रहा है, लाखों रुपए हम ट्रांसफर कर रहे हैं, तो हम वो बताएंगे नहीं कि हमने इतना किया, ये कि और अभी तो हमारे कार्यकाल को 2 साल हुआ है, आगे आने वाले 3 साल के अंदर बुरहानपुर की सड़कें इनको चमक दिखेंगी, ये सोचे कि इनको करना क्या है, और जब तक के ये माफी मांगेंगे नहीं, सदन की कार्रवाई आगे नहीं चलेगी। मैं कोई सदन को बताना चाहती हूँ, जिन्होंने मुझे जवाब मुझे वो जो दिया है, उन्होंने जो बोला है उसकी मैं उत्तर दूंगी। कोई पार्षदों से चुनकर महापौर आई नहीं कि आप लोग बोलोगे और मैं इस्तीफा दे दूं। पूरे बुरहानपुर की जनता ने मुझे आशीर्वाद दिया है, और पूरे ये तीसरी बार किसी बार मैंने कुछ किया होगा, मैंने विकास किया होगा बुरहानपुर का, तो ही मैंने आज मैं यहाँ पर चुनकर आई हूँ। जनता ने मेरे को चुना, बुरहानपुर की जो महिला, क्योंकि अध्यक्ष भी, आदरणीय अध्यक्ष भी महिला है, नेता प्रतिपक्ष भी महिला है, और उनके जो सदन में जो महिला है, उनकी भी पार्षद जो महिला है, उसमें भी महिला पार्षद है, और मेरी भी इतनी पूरी पार्षदों की टीम है, तो ये हमारे पूरी 48 पार्षदों में से जो महिला पार्षद है उनका भी अपमान है, और मेरी पूरी बुरहानपुर की जो महिला है, मेरी जो बहने हैं जो मेरी बुरहानपुर की, उनका भी अपमान है। खासकर महापौर के, महापौर जी का अपमान नहीं किया, बल्कि महापौर जी का जब उद्बोधन हो रहा था, बोल रहे थे, मैंने उनको चुप कराया कि पहले महापौर जी का उद्बोधन हो जाएगी, क्योंकि बात यह है कि विधायक प्रतिनिधि की बैठने की जगह हुई थी, विधायक प्रतिनिधि दूसरी जगह बैठा था, वो महापौर जी के बाजू में बार बार जाएंगे, क्यों महापौर को डिस्टर्ब करके महापौर को वो करते हैं? अगर महापौर को असिस्टेंट लग रहा है, पैसा लग रहा है, तो मैंने ये बोला कि महापौर फिर इस्तीफा दे दे, काम नहीं, हमको तो एक लीडर महापौर चाहिए, उनकी समस्या को दूर करे, तो उनको ये लग रहा है कि इस्माइल अंसारी ने महिला का सम्मान किया, मैंने कोई सम्मान नहीं किया। मुद्दा भ्रष्टाचार का मुद्दा था, रोडों का था, हमारे नेता प्रतिपक्ष ने इल्जाम लगाए थे कि महापौर ने क्या किया, तो वो उनके उपलब्धि किनारे थे, वो उपलब्धि किनारे थे जो उनके खाते में नहीं जाती, जैसे सेंट्रल की योजना है, स्टेट की योजना है, वो तो एक टांगे वाला ठेले वाला भी महापौर बन जाए तो करे, आपने क्या करे, आपने गड्ढे दिए शहर में, पैदल नहीं चल सकते आप, 10 बार बढ़ना पड़ता, कितने एक्सीडेंट हो गए, कितने बच्चों की मौत हो चुकी है, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, आप मीडिया के साथ ही, आपको बहुत अच्छे से मालूम है, आज भी गंदा पानी आ रहा है शहर में, वार्डो में आज भी सफाई की स्थिति, आप वार्डो में जाके देख लो, भेदभाव तो इतनी चरम सीमा पे कि गिनती का पाचन किया था, अभी तो उसके ऊपर